तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है करवा चौथ। सुबह की वीडियो नहीं बना पाई थी मैंने, क्योंकि सुबह टाइम बहुत ज़्यादा काम था, अंधेर बहुत था, तो कोई बनाने में बच्चे सब सो रहे थे, तो नहीं बनाया था मैंने वीडियो। तो आप बस मैं भी नहीं आप तैयार होने, और सभी को बोलना चाहती हूँ, सब दीदियों को बोलना चाहती हूँ, सभी को बोलना चाहती हूँ हैप्पी करवा चौथ। और हैप्पी करवा चौथ की मेरी तरफ से ढेर सब शुभकामनाएं सभी को। हर इस तरह से मैंने मेहंदी लगाई, मैंने नहीं लगाई थी, मेरी बेटी ने लगाई मेहंदी। और जा रही थी, बस तैयार होने जा रही हूँ। पहले मैं थाली सजा लेती हूँ, थाली सजाने में बहुत टाइम लगेगा। थाली सजा लूँगी, फिर उसके बाद मैं काम करूँगी। ये है देखो छोटा सा करवा 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 बस। और ये है दिया, और ये है फूल। फूल ज्यादा है थोड़ा सा, बस कर पानी डालूंगी। एक प्लेट देना सादा। क्या दूँ? थाली प्लेट दे छोटा सा। चुप लेते हैं कर लेंगे। मटरी कहाँ रखेंगे? पहले मटरी रखो, फिर फल रखो। तो नीचे देखो दोस्तों, मैंने सारा सामान सजा लिया है। देखो ये है मटरी, और फीकी मटरी है, और मैंने फूल वूल नारियल फल, ये मिठाई, और ये जितना सारा रहेगा मेवा, ये सब मैं इसी में करवा में कर दूँगी। हाँ तो देखो दोस्तों, मैं इसमें सारा सामान भर देती हूँ अब करवा पे। पहले मैं करवा सजा अच्छे से सजा लेंगे, थोड़ा थोड़ा भर दूँगी इन्हें। और ये मैंने दुबत्ती ले ली है, और इतनी सारी थाली में फल। आपको मैं मटरी दिखा देती हूँ, मटरी कौन सी है ये देखो, ये है फीकी मटरी है, और ये मटरी है जो मीठी है, ये हमारे यहाँ चलते हैं। फोटो खींचा इसमें डाल देती हूँ, मिठाई रख देती हूँ रसगुल्ले, और बस इसके ऊपर मैं रख देती हूँ, इसे डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ तैयार। मैंने थाली आपको दिखा दी है, थाली मैंने सजा ली है ऐसी थाली, सारी सारे फल ले लिया, फूल वूल सब मैंने ले लिया। बस इसमें रख दूँगी। ऊपर तो कर लो। देखो दोस्तों, मैं हो रही हूँ तैयार, तैयार हो जाऊंगी। साड़ी पहननी है, साड़ी पहनूंगी ये वाली। ओए मैं आ रही हूँ। कौन क्या यार, मेरा मम्मी कॉल कर दे करवा। मम्मी तेरी टीम मार दे, बंद कर दे बंद कर दे। Right?
देव सैवान दामा हमारो लोक मार रिष्ट पुष्कातम गौरियादि पुरुष मातृको नमः। बोले गणपति महाराज की जय, माता पार्वती की जय। तो एक समय भगवान शंकर ने देवी पार्वती को बताया था, एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर से देवी पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, इस संसार में अखंड सौभाग्य की कामना वाली स्त्रियों के लिए कौन सा व्रत है जिसे करने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार का व्रत तो कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि को होता है, जिसे करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथी कहते हैं। इस व्रत का नियम बताते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, यह व्रत कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। उस दिन सूर्य उदय से यह व्रत आरंभ हो जाता है। स्त्रियों को निराजल निराहार रहकर इस व्रत को धारण करना होता है। दिन के समय गणपति गौरी का पूजन करें, करक चतुर्थी कथा को श्रवण करें और सायंकाल को चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ देकर यह व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार जो भी स्त्रियां इस व्रत को संपूर्ण करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा बतलाते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि पूर्व काल में इंद्रप्रस्थ नामक नगरी में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। उनके सात पुत्र थे और सभी लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। ब्रह्म धारण किया, सभी ने सूर्य उदय होते ही व्रत को धारण किया। दिन के समय सभी ने गौरी गणपति का पूजन किया तथा इत्यादि सुनने के पश्चात सभी चंद्रमा उदय होने की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु चंद्र जाने से देवी पार्वती की कृपा से उसका पति
हो, चुन्नी मैंने हटा ली है। कैसी लग रही था? मंदिर में बहुत ज्यादा धुआं था तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई अच्छे से नहीं, और बहुत ज्यादा धुआं था, बहुत गर्मी भी लग रही थी इसलिए आंखों में बहुत ज्यादा धुआं लग रहा था इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। हमें मंदिर में रखे थे, इसको जोर नहीं देना है। ये आलू की सब्जी बना रखी है मैंने, और इधर बनाई है दाल, ये चावल कढ़ी चावल, और ये है दाल, दाल साबुत की दाल है जो हमारे यहाँ खाते हैं व्रत में, यही दाल है देखो साबुत तरीके। और मैं पूरी बना लूंगी, मैं आटा मैंने ये समय गूंद के रख गई थी, इसमें नहीं गील मतलब सूखेगा नहीं, तो इसमें से रबड़ चढ़ा के रख दो फ्रिज में लेकिन आप लोग जरूर बताना मैं कैसी लग रही है तैयार हो, मुझे इतना नहीं आता था। फोटो खींच लो, फोटो खींच के वीडियो बना दे, सोशल मीडिया पे डाल दे। बैठ जा ना, जा बैठ जा, रुक जा जरा, हां खींच, फोटो खींच रहा, खींच रहा फिर फोटो खींच रहा, आधा कर रहा बाबा साहब, पैसा फोटो खींच रहे, फोटो बाबा साहब, पैसा सर पे पैसा। थाली में जितना सामान था वैसे तो सासू माँ को देते हैं, लेकिन सासू माँ हमारी नहीं है इसी दुनिया में, तो हम अपने पति को दे देते हैं। हमारी वीडियो यहीं पे ही, अगली वीडियो मिलते हैं।